नमस्कार भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दिया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ठंड का जो सीजन आ चुका है, ठीक है, तो अब इसमें हमें अपने बालों को कैसे, मतलब हेयर फॉल होने से कैसे रोकना है, तो इन सारी चीज़ों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई मैंने तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और मेरी कंडीशन पहले क्या थी और आज क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ों का कंपेरिजन हो गया। अब ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ जिनने ट्रांसप्लांट करा लिया है और जिनको अब ट्रांसप्लांट कराना है। ये वीडियो दोनों पर्सन के लिए है। जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है तो वो अपने हेयर को, उनका भी हेयर फॉल होता है, ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल वो नहीं बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है और ठंड के सीज़न में लगभग सभी का होता है। तो इसको हमें हेयर फॉल को रोकने के लिए इस सीज़न में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हम जब नहाते हैं तो उस टाइम पर ना तो बिल्कुल से ठंडा पानी यूज़ करना है ना ही बिल्कुल से गर्म, दोनों चीज़ों को याद रखना है। हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी को यूज़ करना, ठीक है। दूसरी चीज़ के हमें हेड को अच्छे से क्लीन रखना है। तीसरा, यदि आपको रूसी है तो इस वाले शैम्पू का यूज़ करिए, आपका बिल्कुल पूरा डैंड्रफ चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अच्छे से ऑयलिंग करिए। मैंने ऑयलिंग का एक वीडियो मना करके रखा है, वो इसलिए मैंने मना किया था, जिनके छोटे बाल हैं जैसे मैं रखता हूँ उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके लंबे बाल होते हैं वो ज़रूरत होती है, क्योंकि बाल मतलब जो हमारी स्किन ऑयल को निकालेगी तो एक लेंथ तक ही पहुंचाएगी, उसके बाद क्या होगा कि बालों में ड्राइनेस आ जाएगी, तो ड्राइनेस आने से और भी चीज़ों की डर होते हैं जैसे कि हमें रूसी भी बढ़ जाती है ड्राइनेस से, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और ठंड में हम पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा पीना, तो इन सारी चीज़ों को आप मेंटेन रखिएगा और टाइम टू टाइम बालों को बिल्कुल साफ रखिएगा, रूसी मत होने दीजिएगा। इसके अलावा ऑयलिंग का मैंने बता ही दिया, शैम्पू का बता ही दिया, तो इन सब चीज़ों को करना, आपके बाल बिल्कुल मेंटेन रहेंगे, ठीक है। आपको हमेशा मैं किसी ना किसी नए टॉपिक को लेकर आता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि हम अपने बालों को कैसे मेंटेन रख सकते हैं या जिनका हेयर फॉल हो रहा है उनका हेयर फॉल कैसे कम हो सकता है या रुक सकता है, तो इन चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचे, ठीक है। मैंने इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है, मैंने कई प्रैक्टिकल किए हैं, उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें मिलती हैं और मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को और भी ऐसे ही नॉलेज चाहिए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।